हेलो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो प्रोसेस था वो 14 अगस्त को कंप्लीट हो गया है और 14 अगस्त से आज डेट हो गई है 16 अगस्त, यानी 2 दिन निकल गए हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट का, अभी कुछ पता ही नहीं चला। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है 25 अगस्त से। तो वो ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट आ जाए, उसके हिसाब से वो डिसाइड करें इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दें या इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दें या ना दें। तो पहले मैं सबको ये क्लियर कर दूँ, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए CBSE ने बोला है कि 14 तक तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, डिस्प्यूट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब 14 के बाद 1 वीक का टाइम लगेगा अप्रॉक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट करने के लिए और न्यू रिजल्ट प्रिपेयर्ड करने के लिए। तो सभी बच्चे 2021 अगस्त के आसपास तक का वेट करें, उसी के आसपास डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। दूसरा डाउट है कि बच्चों का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड देखो कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस था इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाला वो 15 को कंप्लीट हुआ है और अभी उसके बाद CBSE अपनी तरफ से चेकिंग करेगी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है बच्चों ने। उसके बाद ये 3-4 डेज का टाइम लगेगा, तो मुझे लग रहा है 19-20 के आसपास जो है वो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों का एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरा डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूँ, डिस्प्यूट सेटलमेंट के सहारे मत बैठे रहना, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार सब बच्चे अपनी तैयारी करें और तैयारी को बहुत अच्छा कर ले, क्योंकि ये जो गोल्डन चांस है ये फिर कभी नहीं मिलने वाला। अगर किसी बच्चे के 70% मार्क्स हैं और उसने सोच रखा था कि मेरे 90% आ सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से एग्ज़ाम देते, तो एग्ज़ाम नहीं हुआ और स्कूल ने मेरे इतने कम मार्क्स भेजे या CBSE के थ्रू मेरे पास कम मार्क्स आए, इस वजह से मेरी ये परसेंटेज आ गई। तो अपनी तैयारी करो अच्छे से, और जो सोच रहे थे, जो अपने आप को प्रूफ करके दिखाना चाहते थे लोगों की नज़रों में, तो ये चांस है वो प्रूफ करके दिखा सकते हैं। उनका परसेंटेज 70% है तो 90 के आसपास ज़रूर पहुंचेगा, 90 नहीं तो 85 के आसपास ज़रूर पहुंचेगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। CBSE की तरफ से कोई नया अपडेट आएगा वो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।